छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब की ओर से शनिवार को हार्प सिंफनी 2019 का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे शामिल हुए। छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब के राजीव श्रीवास्तव के मुताबिक इस संगीतमय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश और ओडिशा के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। हार्प सिंफनी में उन्होंने चार प्रकार के यंत्रों को शामिल किया था जिसे मुँह के जरिए बजाया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत में क्लब के सभी सदस्यों ने एक साथ प्रस्तुति दी। तो हर साल ये आयोजन किया जाता है जहां पर फूंक वाद्य जो होते हैं उसकी प्रस्तुति दी जाती है। तो हार्प सिंफनी 2019 के आयोजन में बड़ी संख्या में यहां पर श्रोता पहुंचे और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे शामिल हुए। तो फूंक वाद्य जिससे लंग्स के लिए फेफड़े के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इस कार्यक्रम में फूंक वाद्यों के जरिए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोगों को फूंक वाद्य के प्रति जागरूक करें और साथ ही स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक हो सकता है संगीत, इस विषय पर भी यहां पर लोगों ने अपने विचार रखे हैं। डॉक्टर्स और पुलिस, ये दो प्रोफेशन ऐसा है जो काम के दबाव के चलते हमेशा तनाव में रहते हैं और ऐसे समय में तनाव मुक्त करने के लिए ऐसे क्लबों के द्वारा जो ऐसे आयोजन की जाते हैं तो निश्चित रूप से आदमी रिलैक्स होता है। छत्तीसगढ़ हारमोनिका क्लब जो हम लोगों ने लगभग 6 साल पहले गठित की थी, उसका उद्देश्य था एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के तौर पर छत्तीसगढ़ में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के माउथारगन बजाने वाले प्रख्यात राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों को आज यहाँ जुड़ा है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने नाम दिया है हार्प सिम्फोनी।